Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Sri Giridhar Aramane, Defence Secretary, Srimati Rashika Chauve, FADS, Sri Pankaj Agrawal, DG Acquisition, and Sri T. Natarajan, Additional Secretary, Defence Production, and SRA Senior Officers, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स, और मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर क्रिएटिविटी एंड एंथुसियाज्म, क्योंकि आज जो कुछ भी मैंने देखा, विनर्स ऑफ आईडेक्स, मीडिया के मित्रों, देवियों, वस्ताजों, आज एयरो इंडिया 2023 में हो रहे इस स्टार्टअप मंथन आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है. डियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट द मंथन मीन्स चर्निंग. चर्निंग काजेज ओल्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू. चर्निंग रिलीजेज न्यू फॉर्म्स, न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज एंड न्यू प्रैक्टिसेस. In our mythology, churning releases the divine nectar or amrit. My young friends, the churning led by you would release amrit of technology, amrit of security, and amrit of prosperity, thus making the next 25 years amrit kaal. सबसे पहले मैं इस आयोजन से जुड़े सभी प्रतिभागियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही मैं शुभकामनाएं भी देता हूं. साथियों, हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो एक एनवायरनमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वह किसी वरदान से, किसी बूंद से यह कम नहीं है. डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं. और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है. 100 के ऊपर तो हमारे यहां यूनिकॉर्न्स हमारे देश के युवाओं ने खड़े कर दिए. और यह हमारे देश में न्यूली क्रिएटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को भी बताती है. साथ ही हमारे यूथ के भीतर भी आया नया जोश और कुछ नया कर गुजरने का जो जुनून है, उसको भी यह शोकेस करता है. जब मैं यहाँ यूथ कह रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब नई उम्र से ही नहीं है, मेरा मतलब नई सोच के लोगों से भी है. तो उचित अवसर पाते ही देश के लिए कुछ नया करने का ये हौसला रखते हैं, जो यह नहीं देखते कि सामने समस्याएं क्या क्या हैं और हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, जो बस यह देखते हैं कि सामने टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और वे अपना लक्ष्य पाने के लिए धरती आकाश एक कर देते हैं. डिफेंस सेक्टर में तो मैं देख रहा हूं कमाल कर रहे हैं हमारे नौजवान. आईडेप जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से देश के कोने कोने से ऐसे टैलेंट सामने आ रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं गए थे. और हमारी सर्विसेज, हमारी डीपीएफ, कोस्ट गार्ड सब एकजुट होकर चुनौतियां दिए जा रहे हैं और हमारे युवाओं को, और अब तो होम मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हो गए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जारी करने में. बावजूद इसके हमारे युवाओं का जज्बा देखिए कि क्या मजाल, कोई प्रॉब्लम उनके प्रयासों से अछूती रह जाए. क्या आर्मी, क्या नेवी, क्या एयरफोर्स, क्या डीपीएसओ, क्या साइबर, क्या स्पेस, यानी हर प्रॉब्लम का जवाब पाने का जज्बा है हमारे नौजवानों के पास. साथियों, ह्यूमन बीइंग की कुछ नया कर गुजरने की टेंडेंसी के कारण ही यह नेचर के बाकी क्रिएशन से श्रेष्ठ है. मनुष्य, ह्यूमंस ने अगर इतना प्रोग्रेस किया है तो उसके पीछे उनका इनोवेटिव टैलेंट ही है. ह्यूमन काइंड में भी वही सोसाइटी अधिक डेवलप होती हैं जो कुछ नया खोज पाने में समर्थ होती हैं.
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो यह बात सबसे अधिक लागू होती है। पहले एक कहावत कही जाती थी कि नया 9 दिन का और पुराना 100 दिन का, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोजाना नए होते इनोवेशन ने इस कहावत को कहीं पीछे छोड़ दिया है, मेरा यह मानना है। यहां नया 9 तो क्या, 100 तो क्या, पिछले सदियों तक के ज्ञान पर यह भारी पड़ता है। नई नई खोजों और आविष्कारों ने नई नई खोजों और आविष्कारों ने अतीत से अब तक चले आ रहे ज्ञान में आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य किया है। नई नई खोजों और आविष्कारों ने नया इतिहास लिखने का भी कार्य किया है। जेम्स वाट, न्यूटन, एडिशन और आइंस्टीन की खोजों और आविष्कारों ने तत्कालीन बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के मस्तिष्क को आंदोलित कर दिया था। शुरुआत में लोगों ने इनके कामों को एक सनक और दिमागी खुराफात के अलावा कुछ नहीं समझा, पर समय के साथ उन्होंने अपने आप को साबित किया और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। हमारे देश में सीवी रमन, जेसी बोस से लेकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे अनेक साइंटिस्ट की यह परंपरा रही है जिन्होंने दुनिया को न केवल नया ज्ञान दिया बल्कि समस्त ज्ञान विज्ञान की धारा को एक नई दिशा दी और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर लाने में अपना योगदान दिया है। यह सब कुछ नया करने के जज्बे के कारण ही संभव हो सका है। कहना मैं यह चाहता हूं साथियों कि आपके भी मस्तिष्क की कोई एक खुराफा पूरी दुनिया की अब तक की चली आ रही ज्ञान और विज्ञान और उद्योग धंधों की धारा को बदलने और उसे नई एक दिशा देने की भी क्षमता रखता है। आप सभी हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में आप में से कुछ जानते होंगे, सभी तो नहीं जानते होंगे लेकिन कुछ जानते होंगे। इसके इनोवेशन ने अब तक के चले आ रहे प्रोडक्शन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कर दिया था। इसलिए आज हमारा देश युवाओं को अगर कुछ नया सोचने और कुछ नया कर दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहा है इसका कोई छोटा मतलब नहीं है। इसका बस यह मतलब नहीं है कि हमारे युवा अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसका मतलब बस यह भी नहीं है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए और वे कुछ रोजगार औरों के लिए भी पैदा कर सकें। इसका मतलब बस यह भी नहीं है कि हमारे युवा स्वदेशी सामान बना सकेंगे और बाहर देशों पर से हमारी निर्भरता कम हो सकेगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यह सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर कुछ है जो इन सबसे भी महत्वपूर्ण है जिसे हमारे देश को तलाश है और वह महत्वपूर्ण चीज है हमारे युवाओं के भीतर से एक जेम्स वाट, एक न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, सीवी रमन, जेसी बोस या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को खोज निकालना जो इतिहास की धारा को मोड़ सकें और मानवता को कुछ नई और मीनिंगफुल चीज दे सकें। और जिस तरह आप लोगों का रिस्पांस हमें मिल रहा है मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जल्द ही हमारा देश इनोवेशन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक होगा और अतीत की भांति ही भविष्य में भी समस्त विश्व के लिए एक लाइट हाउस बनकर उभरेगा। स्टार्टअप मंथन जैसे आयोजन इस लाइट हाउस को नई चमक प्रदान करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, स्टार्टअप मंथन इंडियन डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास की यात्रा का एक शानदार उत्सव है। मैं इसे एक फेस्टिवल के रूप में देखता हूं और हमारे इनिशिएटिव इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस यानी आईडेक्स की सफलता का एक यह इंडिकेटर है, उसका यह सूचक है। आईडेक्स ने अब तक के अनेक होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को डेवलप होने और आगे बढ़ने में मदद की है। इसने स्टार्टअप के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को शोकेस करने का एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया है और इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को भी हमारे प्रोफेशनल्स को अच्छी तरह से जानने समझने का एक अवसर आईडेक्स ने उपलब्ध कराया है।
आइडस के माध्यम से शुरू हुए स्टार्टअप को अब तक ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक प्रोत्साहन मिला है। साथियों, आइडेक्स अब तक सैकड़ों की संख्या में इनोवेटर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुका है और इस प्रकार हजारों स्किल्ड और सेमी स्किल्ड भारतीयों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद मिली है। इन सब के चलते ही आइडेक्स को इनोवेशन कैटेगरी के तहत पीएम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइडेक्स विनर्स का बिजनेस एक्सपेंड होगा तो देश में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इस तरह यह हमारे देश के अनेक नागरिकों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने आईटेक स्टार्टअप और एमएसएमई से प्रोक्योरमेंट के लिए एक सिंप्लीफाइड और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को भी मंजूरी दी है। आईटेक ने डिफेंस इकोसिस्टम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रास्ते भी खोले हैं। हमारे नए इंटरप्रेन्योर्स को लार्जर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इनकरेज करने के लिए हमने अब तक दी जा रही ग्रांट्स को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह हमारे इनोवेटर्स और स्टार्टअप की मेहनत, उनकी लगन और उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के सपोर्ट को भी दर्शाता है। एज ए गवर्नमेंट यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से इन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को सपोर्ट करें ताकि नए इंटरप्रेन्योर नए अवसरों का स्वाभाविक रूप से लाभ उठा सकें। साथियों, आज मुझे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क 9 के लॉन्च की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां रखी गई हैं। मैं डिस्क 9 की सफलता की भी कामना करता हूं और आज जब हमारे अनेक युवा साथी इस आयोजन में उपस्थित हैं तो मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें भी यहाँ पर रखना चाहूँगा। साथियों, दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में अगर हमें आना है तो हमें बस चलने की नहीं बल्कि हमें दौड़ने की और एक लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत है। और हम सभी जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते ब्रिटेन आदि देशों ने अच्छी खासी तरक्की की है, यह जग आई है। चूँकि उस समय हम राजनीतिक रूप से गुलाम थे, पराधीन थे, हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हम वैसा फायदा नहीं उठा पाए जैसा फायदा हमको उठाना चाहिए था। इसका परिणाम यह हुआ है कि हम आज भी अनेक क्षेत्रों में उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे। साथियों, हालांकि हमें 75 साल पहले आज़ादी मिली, देश में एक नई भावना का संचार भी हुआ है, राष्ट्र कुछ नया करने की सोच के साथ आगे भी बढ़ा है, पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी की छाया को कुछ ही समय में मिटा देना यह संभव नहीं था। देश में आर्थिक बदहाली थी, देश में कैपिटल की समुचित व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफ़ी पीछे खड़े थे और ऐसे में देश को संभालने में एक लंबा समय गुजर गया। आज भी डेवलप्ड कंट्रीज कॉलोनियलिज्म से प्रभावित थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से कहीं बहुत आगे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो कंट्रीज रेस में बहुत आगे हैं उनसे बराबरी कैसे की जा सकती है या उनसे आगे कैसे निकला जा सकता है। प्रगति की राह में जो दौड़ उन्होंने 250-300 साल पहले शुरू की, वह दौड़ हमने अब कहीं जाकर शुरू की है, यानी हमारी स्टार्टिंग लाइन अलग अलग है, तो दोनों के बीच फेयर रेस कैसे होगी? जाहिर है यह रेस हमारे लिए एडवर्स होगी। इसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझें, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, कि किसी व्यक्ति ने अपनी जर्नी Formula 1 की रेसिंग कार से शुरू की, साथ में एक दूसरा व्यक्ति अपनी जर्नी एक बाईसाइकिल से शुरू की या शुरू कर रहा है। अब दोनों में समानता कहीं दूर दूर तक नहीं है, पर जर्नी एक साथ कंप्लीट करनी है यह कैसे संभव होगा, यह विचार करने वाली बात है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि कंपटीशन के स्वरूप को अगर बदल दिया जाए और उसके पैरामीटर बदल दिए जाएं, तो क्या यह
गेम चेंजर नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही कि कछुआ, कछुआ पानी का कछुआ जिसे आप समझते हैं, यानी जिसको टॉर्टोइस कहते हैं, और खरगोश यानी से रैबिट की दौड़ में पहली बार हार जाने के बाद कछुआ जमीन के बजाय पानी में रेस का प्रस्ताव रखे, जाहिर सी बात है कि यह बाजी पलटने वाली रेस होगी। ठीक उसी तरह फार्मूला वन रेसिंग कार और बाइसाइकिल के बीच कंपटीशन में अगर पैरामीटर जल्दी दूरी तक करने की बजाय यह रखा जाए कि कौन अधिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और हेल्दी वे में परफॉर्मेंस दे सकता है, तो जाहिर है जी साइक्लिस्ट की होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो कंपटीशन को हमें रीडिफाइन करना ही होगा। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के पुराने सिस्टम से आगे बढ़ने की बारे में सोचेंगे तो हम उन देशों से 2 सेंचुरी हमेशा ही पीछे रहेंगे ही रहेंगे। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम नए तरीकों से सोचें और नए तरीकों से ही हम आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के क्षेत्र में हम उन देशों से कुछ वर्ष पीछे हों। ऐसे इन सेक्टर्स में हम कुछ अच्छा और नया करके दोनों के बीच के गैप को जल्दी खत्म कर सकते हैं। एक दूसरी बात, जो पारंपरिक चीज़ें चली आ रही हैं उसमें हमारा प्रयास हो कि हम कुछ नया करें। इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे देश में विकसित UPI पेमेंट मेथड है। यह मेथड पूरी दुनिया को भारत की देन है, जिसे आप जैसे युवाओं ने ही डेवलप किया है और इसके पहले यह दुनिया में कहीं एडॉप्ट नहीं किया गया था। अमेरिका जैसे देश भी आज इसकी स्टडी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमें अगर नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लानी है तो या तो हम नई चीजें करें या फिर चली आ रही चीजों को नए तरीके से करने का हम प्रयास करें। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम इनोवेशन करें। इनोवेशन यानी नए तरीके से सोचना, जो कि आप जैसे युवा भली भांत कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से इस मामले में कॉन्फिडेंट हूं, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, कर सकते हैं। अगर हमें अन्य देशों से आगे निकलना है तो नए लोगों और स्टार्टअप्स को सामने आना आवश्यक है। मेरी नज़र में स्टार्टअप का अर्थ है न्यू एनर्जी, स्टार्टअप का अर्थ है न्यू कमिटमेंट, और स्टार्टअप का अर्थ है न्यू इंथुजियाज्म। पुराने और एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन अक्सर किसी न किसी प्रकार की रूढ़ियों से बंधने लगते हैं। कई बार वे नई टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करने में अपने को बहुत ही सहज नहीं महसूस करते, बल्कि असहज होते हैं। वही स्टार्टअप नए माहौल में शुरू होते हैं और नएपन के साथ ही वो आगे भी बढ़ते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्र को अगर नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो नए लोगों को और स्टार्टअप्स को नए जोश के साथ सामने आना यह आवश्यक होगा। साथियों, आप लोग अवगत हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को ट्राइस्ट विद डेस्टिनी यानी डेस्टिनी से भेंट का उन्होंने एक आह्वान किया था। उसका अर्थ था कि हमारे देशवासी पिछला दुख दर्द भुलाते हुए अपनी डेस्टिनी से मुलाकात करें। क्योंकि उस समय हम बहुत ही सशक्त नहीं थे, उतने समर्थ भी हम नहीं थे, इसलिए देश की डेस्टिनी से सिवाय मिलने और समझने के कुछ और कर भी हम नहीं सकते थे। पर अब स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। अब हमारे बाजुओं में भी वह ताकत आ गई है कि जो पहले कभी नहीं था, और आज आज़ादी के 75 साल के बाद हमें अवसर मिला है कि ट्राइस्ट इस डेस्टिनी से आगे जाते हुए डिजाइन अवर डेस्टिनी के पथ पर हम आगे बढ़ें। आगे से हमारा मंत्र होना चाहिए डिजाइन अवर डेस्टिनी। आगे का हमारा मंत्र होना चाहिए डिजाइन अवर डेस्टिनी, यानी हम अपने पुरुषार्थ, अपनी क्षमताओं और अपने संकल्प से अपनी डेस्टिनी को के डिजाइन की ओर आगे बढ़ें, उसका निर्माण करें। हमारी डेस्टिनी है आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनना। हमारी डेस्टिनी है
हमारी जस्टली है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना। अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समझबूझ के यह नाम रखा है, अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है। और आप जैसे युवा ही देश की डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर हैं। आप डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर भी हैं, आप डेस्टिनी के सर्वोत्तम डेवलपर भी हैं। मैं पिछले सभी आईडक्स विनर्स को एक बार फिर से अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आगामी सभी आईडक्स पार्टिसिपेंट्स को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे यहां कहा गया है उद्यमात् सकल समृद्धि, यानी उद्यम अथवा मेहनत और लगन से सभी प्रकार की सिद्धि और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी यह संभव है। आने वाले समय में आप लोगों की सफलता केवल आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और राष्ट्र की सफलता साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस आयोजन में उपस्थित आप सभी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जो डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।